बिग बॉस 13 के आज के एपिसोड में आप इसी तरह के एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। जी हाँ, सब बड़े ही अचंभित लग रहे हैं बिकॉज बिग बॉस ने अनाउंस किया कि वो आज एक कुछ ऐसा करने वाले हैं, ऐसी सजा देने वाले हैं कंटेस्टेंट्स को, क्योंकि आखिरी चरण में अब वो सब ना हो जो हो रहा है। जी हाँ, बिग बॉस बात कर रहे थे, जो डिस्कशन हो रही थी नॉमिनेशन की डिस्कशन कर रहे थे आसिम, विशाल और रश्मि। हम यहाँ पर ये जानने में थोड़े उत्सुक हो रहे हैं बिग बॉस से कि नॉमिनेशन की डिस्कशन तो इस सीजन में हमेशा हुई है, लेकिन बिग बॉस ने कभी सजा का ऐलान नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों है कि अंत के समय, जब कुछ ही हफ्ते रह गए हैं और लग रहा है कि आसिम, रश्मि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, तो उनके ऊपर बिग बॉस ने ऐसी गाज घेरी? जी हाँ, जानना चाहेंगे बिग बॉस ने क्या किया। बिग बॉस ने वो वीडियो क्लिप बाकी सारे घर के सदस्यों को दिखाया जहां पर बैठकर रश्मि, विशाल और आसिम, एक्चुअली रश्मि कुछ नहीं बोल रही थी, बेसिकली आसिम और विशाल डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो लोग प्लान कर रहे थे, विच वॉज जस्ट फाइन, उसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं था। ये वही चीज़ें हैं जो सारा दिन बैठ के सिद्धार्थ हमेशा सबको समझाते हैं और माहिरा और पारस हर वक्त करते हैं। लेकिन जब ये हो रहा था तब बाकी लोगों का तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने चोरी पकड़ ली हो आसिम की। ऐसा लगता है जैसे आसिम की पॉपुलैरिटी से बिग बॉस भी थोड़े थोड़े डर रहे हैं कि फिनाले आने से पहले रश्मि और आसिम की जो पॉपुलैरिटी है उसको थोड़ा मैनेज किया जाए और मे बी यू नो किसी और को विनर बनाना चाहते हैं। इस बारे में तो सिर्फ हम लोग आशंका ही लगा सकते हैं, निश्चित तौर पर नहीं कह सकते, पर हुआ यही, वो लोग बैठे प्लान कर रहे थे। इनफैक्ट विशाल उसे समझा रहे थे आसिम को कि तू पारस से दूर रहे बिकॉज वो बहुत गंदा करता है और जिस तरह से वो तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं, तो बेस्ट यही है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रखें और आप उनसे दूर रहें, इसमें तो प्लानिंग जैसा कुछ है नहीं है। तो ये कहना कि आप उनसे दूर रहें और देखते हैं यू नो कि कैसे करना है, हम भी उसी तरह करेंगे कि इनको किस कैसे हम लोगों को प्लान करना चाहिए जैसे ये लोग करते हैं। लेकिन उन वो सारा का सारा वीडियो क्लिप बिग बॉस ने सबको मेन हॉल में बिठा के, लिविंग रूम में बिठा के दिखा दिया और फिर तो ये सबके रिएक्शन देखने वाले थे। सिद्धार्थ को बड़ी हंसी आ रही थी, आरती को बड़ी हंसी आ रही थी, शनाज थोड़ी परेशान अचंभित लग रही थी और पारस और मायरा के रिएक्शंस तो देखने वाले थे। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे ना जाने वो क्या देख लिया और ऐसा उन्होंने तो कभी किया ही नहीं हो। मायरा जो हर वक्त इतना बुरा बोलती हैं और सबको इतना बुरा बोलती हैं और बोलती हैं कि उनका पारस के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वैसे हमने कभी उनको देखा नहीं है जब वो बिना पारस के कभी भी बिग बॉस के घर में दिखाई दी हो। ये सारा जब हो रहा था तो आसिम और विशाल एक्चुअली हंस पड़े बिकॉज उनके मन में आई एम श्योर कोई जोर नहीं था, उनको समझ में नहीं आ रहा था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि अब उन लोगों ने क्या डिस्कस किया, बिग बॉस सबको बता देंगे। कमाल की बात है कि उन लोगों ने क्या प्लान किया, बिग बॉस ने सबको बता दिया, लेकिन आज तक जो सिद्धार्थ, मायरा, पारस, आरती प्लान करते हैं वो तो बिग बॉस ने कभी नहीं दिखाया। इस सब का कारण क्या है? पारस का जी हाँ ऐसा चेहरा था, वो ऐसे एक्सप्रेशन से आसिम और विशाल को देख रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया और वो सब समझ गया और उसकी प्लानिंग को तोड़ देगा। इसके बाद पारस ने आसिम और विशाल को बहुत बड़ा बुरा बोला, काफ़ी भला बुरा बोला और मायरा वॉज लाइक ओ मैं तो शॉक रह गई, जैसे वो ये कभी करती ही नहीं है। वेल ये तो है बिग बॉस का घर, तो इसी तरह की चीज़ें तो देखने में मिलेंगी ही। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा गेम काफ़ी फेयर हो, जिस तरह आज उनका नॉमिनेशन के बारे में बताया गया है, इसी तरह जब बाकी लोग प्लानिंग करते हैं बिग बॉस को वो भी दिखाना चाहिए। वो चीज़ें दिखने को मिल नहीं रही हैं। आप ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप किसको देखना चाह रहे हैं बिग बॉस जीतते हुए, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।